घर जाने का सिलसिला जारी है। बार बार किराया दो तो कहाँ से देते हैं किराया, बताओ। गलत हैं ये लोग। हाँ तो पाई छोड़ दिया भैया, हाथ छोड़ दिया था उनने, बताओ क्या करेगा कुछ। ये दर्द देख लीजिए। मैं कहाँ दिलाऊँ, जब डाउन डाउन में काम ही नहीं चल रहा है हमारा, मैं खर्चा चलाती हूँ, पति तुम्हारे काम करेगी लाख नहीं। मजदूर हूँ साहब, मेरा दर्द देख लीजिए। खराब स्थिति है सर, हम MP के रहने वाले हैं सर, यहाँ पे हम किराए पे रहते हैं, हमें यहाँ पे 8 साल से हो गई करीबन। भारत में 25 मार्च से ही लॉकडाउन चल रहा है और तभी से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला भी जारी है। देश के कई हिस्सों में प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई मजदूर भूखा न रहे, इसके लिए योगी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। ये तस्वीर मथुरा के गोवर्धन स्थित नगला सेहू की है। यहाँ करीब 20 से 30 मजदूरों के परिवार सालों से किराए पर रह रहे हैं। इन मजदूरों के साथ इनके छोटे छोटे बच्चे भी रहे, जो अब लॉकडाउन में भूख से मजबूर। इन मजदूरों की माने तो वोटर लिस्ट में नाम तो है लेकिन राशन कार्ड नहीं है, भूख से जान निकल रही है। मजदूरों ने आरोप लगाते हुए कहा अब दर दर दाने के लिए भी उन्हें भगाया जा रहा है। खराब स्थिति है सर, हम MP के रहने वाले हैं सर, यहाँ पे हम किराए पे रहते हैं, मैं यहाँ पे 8 साल से हो गई करीबन, और सर हम अब तक कर्फ्यू लगाया, अब हमारे पास सर ना ही तो हमारे काम धंधे चल रहे हैं, ना ही हम कुछ कर पा रहे हैं सर, लॉकडाउन की वजह से बंद कर रखा है काम धंधा। यहाँ पे हमारे खाने के लिए बहुत तरस रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है सर, केवल आपकी तरफ से जो भी कुछ आ रहा है सर, आपकी तरफ से गुजारा चल रहा है हमारा, वरना यहाँ पे काम धंधा कुछ नहीं लगा है, ना ही तो कुछ खाने के लिए आ रहा है। सरकार की तरफ से सर कुछ नहीं आ रहा है, रमरित में पहले बता रहे थे कुछ नहीं आया सर, वहाँ से ना ही कोई सरकारी आ रहा है, कोई कुछ सामान नहीं आ रहा, मिल जाए सर, सर सबसे मिलिए सर, कुछ कोई भी कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए। नाम लगा गया, नाम भी लिखाया हमने सर, ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे नाम लिखा दे तुमको आटा मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता है सर, काफी जगह नाम भी लिखवा चुके हम, कुछ मिलता ही नहीं है हमको, काफी जगह हमने बोल दिया। ये मंजू है जो खिलौनों की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करती है, लेकिन अब मंजू की जिंदगी खुद राजनीति का खिलौना बन गई है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मंजू खाने की जुगत में अफसरशाही के दरवाजे पर खड़ी है। मंजू का दर्द ऐसा है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो। आधार कार्ड हमारे पास है, हम गए खुद उंगलिया में SDM के पास तहसील में, उनने कही आपका नाम लिखा जाओ खाना आ जाएगा, कुछ भी व्यवस्था वहाँ से आई नहीं है, अब बच्चे भूखे मरेंगे तो कहाँ से खुलाएंगे। अब यहाँ हमें 2 दिन से पता लगा, हम यहाँ से 2 दिन से खाना लेके जाते हैं और मैं लगाती खुद खिलौनाने की दुकान, अब सारा दुकान उकान बंद पड़ा है तो ऐसी भी व्यवस्था हो रही है। एक दिन रमन रेती से लेके आई 5 किलो का आटा कट्टा उसने दिया था मेरे को, कहकर बाहर करता था। अच्छा। और कहाँ से देंगे हम किराया, उनका किराया दो। अभी हमें पता लगा कर यहाँ पे खाना आता है, दूध आता है बच्ची के लिए, तो हम 2 दिन से यहाँ, आज दूध की थैली लेके गई, कल शाम को खाना लेके गई थी यहाँ से। एक दिन रमन रेती से लेके आई मैं 5 किलो का कट्टा, उन्हें दिया था कर तुम्हारे बच्चे ज्यादा भूखे हैं, तुम ले जाओ, 2 दिन से खाना नहीं खाए। वो भी खत्म हो गया होगा, वो खत्म हो गया। अब क्या व्यवस्था है? अब व्यवस्था ये शाम से यहाँ से लेके जा रही हूँ, सुबह यहाँ से दूध की थैली लेके गई, बिस्कुट लेके गई थी, वो बच्चे ने खाया, अब खाना लेके जा रही हूँ जो बच्चे खाएंगे। मंजू जैसे कई ऐसे परिवार हैं जो भूख की तलाश में भटक रहे हैं, जिन आंखों ने कुछ कर गुजरने के सपने देखे थे आज वो आंसुओं में नम हैं। उम्मीदों की इमारत आज ढहने लगी है, कोरोना महामारी ने रोजगार के साथ ही 2 वक्त का निवाला भी छीन लिया है, रोटी का सहारा मिल रहा है तो कुछ सामाजिक सेवा करने वाले गुजारा कर देते हैं। सवाल पेट का है जो खाने की टकटकी लगाए बस अब आस देख रहे हैं कि कैसे इनका परिवार पल जाए। मथुरा से समाचार सिटी 24 के लिए ऋषभ कौशिक की रिपोर्ट।